ठीक है, चल बता इसका उत्तर, जवाब दे। सर, इसके जवाब के लिए हमें लिखना पड़ेगा a² + b² = c². क्या दोबारा बोल? a² + b² = c². ठीक है, एक मिनट, a² + b² = c² यहां तक तो ठीक है, है? अब इसके आगे की बता, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे लाओगे? इसका मूल्य निकालने के लिए a = लगा लो a² + k² = c². सर, हमें एक ही जगह पर 12 लिखना है और b की जगह पर 16। बारह प्लस 16² = c². अब इसके आगे तो 8 हो गए 64। कैसे बताएगी? और जब मैं सिखाऊंगा तो बताएगी ना, है? शाबाश दुर्गा, अरे आज तो तूने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। बैठ जा। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, इसमें 12 × 12 कर देंगे तो 12 × 12 + 16 × 16। अब इसको कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे को C2 की वैल्यू मिल जाएगी। कमाल ही कर दिया तने, कभी सोचा ना था कि मैथ्स, सच मैथ्स का क्वेश्चन का बहुत सारा जवाब दे दिया तने। राठी अंकल का जुगाड़ काम कर गया दिखे। मैंने तो पूरा समझा भी नहीं था, जितना थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में समझा उतना क्लास में बोल दिया। इतना भी बोला कितनी बड़ी बात से? हाँ, सरस्वती सर ने थारे दिमाग के लालटेन जला दी से ना, अब तू देखना एग्जाम में पक्का पास होगी और फिर हमें चढ़िए पिघानी भी ना जाएगी। इसी बात पे हो जाए रखा है जो कोई तरीका से स्कूल में आने का। चिकड़ी, 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 चिकड़ी।
और ना होगा यू हमारे से। तुम लोग को सिर्फ यो दिख रहा था कि मैंने क्लास में आंसर दिया, पर मारे को मारे बाबा का दर्द दिख रहा था। वो पूरे 2 घंटे मुझे अपने कंधे पे लेके खड़े रहे ताकि मैं बाहर से देख सकूं और सीख सकूं कि सरस्वती सर के पढ़ा रहे हैं। कितना दर्द होता होगा ना उनका कंधा। हम 10 मिनट एक छोटी सी ईंट भी अपने कंधे पे ना रख सकते। तू रख सकते है मनोहर? बंसी तू बैठो, तुम लोग रख सकते हो। नहीं ना, लेकिन पापा ने पूरे 2 घंटे मुझे पता दर्द के मारे पापा से ठीक से साइकिल भी ना चलाई जाती, रात को अच्छे से नींद भी ना आती, और आज सुबह बुशर्ट पहनते वक्त उनका कंधा ठीक से सीधा भी ना हो रहा था। वो तो मुझसे यही कहते हैं कि उनकी वर्जिश हो रही से उनका कंधा मजबूत हो रहा से लोहे की तरह, पर मैं समझू ना उनका दर्द। बस और ना होएगा ये हमारे से। तुम लोग को हमारी मदद करनी होगी, प्लीज किसी भी तरह से रोकना होगा। मैंने कोई परीक्षा ना देनी अपने पापा का कंधा तोड़ के। ये कोई तरीका से स्कूल में आने का? मजाक ना बाबा, आइडिया सुझा। सुन तो बोल। देख, तारी प्रॉब्लम यो है कि तारे बाबा का कंधा ना दुखे। तो कंधा ही हटा देते ना। तो क्या मैं हवा में लटकूंगी? पूरी बात तो सुन। देख, अरे बाबा के कंधे की जगह वापस सीढ़ी खड़ी कर देंगे और ना रहेगा तारे बाबा का दर और ना तारे मुश्किल। मारे को ये बात छुपा के रखनी से नगाड़ा बजा के पूरे गांव को ना बताना कि देखो मैं खिड़की वाली क्लास में पढ़ने जा रही हूँ। अरे कुछ ऐसा सोचो जिससे बाबा मुझे खुद उस कोचिंग क्लास में ले जाना बंद कर दे। सोच मिल गया बंसी, मारा आइडिया भी महाभारत से ही है। नारायण नारायण नारद मुनि, वो हमारी मदद कैसे करेंगे? देख, जैसे कि नारद मुनि का काम था एक खबर को दूसरी जगह पहुंचाना, वैसे ही हमारे क्लास में एक नारद मुनि है, बिना बताए सारे काम कर देगी और उसे ही पता ना चलेगा कि वो किसका काम कर रही है। नारद मुनि कहाँ से है? कौन से हमारी क्लास में? क्या करने वाले हो तुम लोग? तू चिंता ना कर, समझ ले सारा काम हो गया। बस सुबह जल्दी जल्दी कोचिंग क्लास में जा, फिर देखते जा, सारे बाबा के कंधे का दर्द खत्म कर देंगे। दुर्गा चलो चलो चलो, एक बार लेके जाएगा। जा 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 आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।